तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ इस तरह का सैड ब्रोकन हार्ट कॉन्सेप्ट फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ वो भी सिर्फ और सिर्फ फ्लिपकार्ट है आपको यूज़ करते हुए अगर आपको भी करना है कुछ इसी तरह का सेम टू तो सेम फोटो एडिंग तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करना और अपने चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना ना भूलेगा क्योंकि मैं फोटो एडिंग रिलेटेड वीडियोज़ लाते रहता हूँ तो गाइस इस चलेगा बात करेंगे आज किस वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट सो so, दोस्तों सबसे पहले आपको ये वाला बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है पिक्चर ऐप के अंदर उसके बाद आपको साइड में कुछ इस तरह से बहुत सा ऑप्शन देने मिलेगा सिंपली आपको ऐड फोटो वाला ऑप्शन मिलेगा इसमें आपको क्लिक कर देना है अभी दोस्तों कुछ पी को सिलेक्ट करना है तो मैं जितना भी मेटेरियल यूज़ करूंगा सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ उधर से डाउनलोड कर लेना तो पी को सिलेक्ट करने के बाद सिंपल ऊपर ऐड वाला ऑप्शन देने को मिलेगा इसमें आपको क्लिक कर देना है अभी पी को कुछ इस तरह से फुल कर देना है दोस्तों और आपको ऊपर कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है ठीक है आपके फोटो के हिसाब से एडजस्ट कर देना दोस्तों तो ज़्यादा ही बड़ा हो गया मैं छोटा कर देता हूँ अभी क्या करना है इसके जो ब्लेंडिंग मोड है चेंज करना है ताकि जब रियलिस्टिक लगे दोस्तों तो सिंपल आप किसे कर देना है मल्टीप्लाई ऑपोजिट वाला ऑप्शन में बना है हल्का सा सब किसे डिक्रीज कर देना है उसके बाद आपको क्या करना है फिर से आपको राइट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है अभी फिर से आपको ऐड फोटो में आपको आ जाना है अभी जो आपका मॉडल का फोटो है उसे आपको सिलेक्ट करना है तो मैं सबसे पहले मॉडल का फोटो ऐड कर लेता हूँ दोस्तों मॉडल का फोटो ऐड करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है ऐड में क्लिक कर देना है अगर आप भी कुछ इस तरह से फुल एच में बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हो तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक वॉच करो तो मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा कैसे आप बैकग्राउंड को रिमूव करोगे फुल एच में ठीक है तो इसे मैं थोड़ा तो एडजस्ट कर ले दोस्तों फोटो के हिसाब से तो हो गया अभी क्या रूम वाला लोगों का इरेज करना इरेज में आ जाता हूँ दोस्तों सबसे पहले मैं इरेज कर लेता हूँ अभी सिंपल आपको ऊपर राइट right वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है अभी फिर से राइट right में आपको क्लिक नहीं करना है एक बार ध्यान रखना अभी क्या करना है शेडो ऐड करना है फोटो में तो फोटो में क्लिक कर देना इस ऑप्शन में क्लिक करके डुप्लीकेट कर देना कुछ इस तरह से सेम एडजस्ट कर देना अभी इफेक्ट वाला ऑप्शन में आ जाना है दोस्तों या इफेक्ट का ऑप्शन इसमें आ जाना है अभी इस कलर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करके आपको ब्लैक एंड व्हाइट वाला इस इफेक्ट को ले लेना है इसमें क्लिक करके अमाउंट को कर देना एकदम जीरो और आपको ऊपर राइट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है अभी क्या करना है कुछ इस तरह से छोटा कर लेना फोटो को क्लिक कर देना अभी एक ऊपर डॉट दिख रहा है इस डॉट में क्लिक करके कुछ इस तरह से फोटो को नीचे लेके आना इस ऊपर वाला डॉट को आपको कुछ इस तरह से लेके आना है ठीक है अभी क्या करना है कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है दोस्तों उसके बाद आपको इस ऑप्शन में क्लिक करके मूव डाउन कर लेना है शेडो जो है नीचे चला जाए और रियलिस्टिक लगे ठीक है तो कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है दोस्तों थोड़ा मैं जूम करके दिखा देता हूँ एडजस्ट कर लेना अभी इसको क्या है ना ऑपोजिट को माइनस करना है अब अपोसिटी को माइनस करना आप लोग देख ही सकते हो कितना रियलिस्टिक लग रहा है अभी जिसके जो तो शेडो है उसके बाद आपको कहना है फिर से आपको इस एड वाला ऑप्शन में आपको क्लिक करना है और आपको इस शेडो को सिलेक्ट कर लेना है ऐड में क्लिक कर देना है अभी क्या करना है कुछ इस तरह से नीचे ले आना है इस शेडो को और आपको इस ऑप्शन में क्लिक करके मूव डाउन कर देना है ताकि शेडो जो है नीचे चला जाए और आपको इसके जो ऑपोजिट है अपोजिटी को डिक्रीज कर देना है दोस्तों डिक्रीज करके सेवेंटी टू पर रख देना है तो अभी क्या करना है दोस्तों फिर से आपको right राइट में, में क्लिक कर देना है अभी जो फ़ोटो है शेडो क्रिएट हो चुका है अभी क्या करना है कुछ पे एन जी एड करना है ऐड फोटो में आ जाना और आपको इस पेन जी को सिलेक्ट करना है इसके बाद आपको ऐड में क्लिक करना है अभी क्या करना है जो इमोजी का देख रहे हो इसमें क्लिक कर देना है दोस्तों और आपको कुछ इस तरह से छोटा करके आपको सर के ऊपर कुछ इस तरह से रख देना है और आपको कुछ इस तरह से जूम कर देना है अभी इस पे एन जी में क्लिक करके आपको कुछ इस तरह से इसे एडजस्ट कर देना है और आपको इससे ब्लैंडिंग मूड बनाए दोस्तों ब्लेंडिंग मोड के आने के बाद आपको मल्टीप्लाई कर देना है Osionfish. अभी ऐड में क्लिक कर देना है और आपको इस पेन को सिलेक्ट कर देना है दोस्तों सिलेक्ट करने के बाद आपको ऐड में क्लिक कर देना है और आपको इसे जो है कुछ इस तरह से इधर एडजस्ट कर देना है उसके बाद आपको सिंपली राइट right में क्लिक कर देना है और और भी मैं मैं बहुत सारा पे का लिंक दे दूंगा आप उधर से कोई भी इधर ऐड कर सकते हो ठीक है अभी क्या है ऐड फोटो में क्लिक कर देना है आपकी शेडो पे को सिलेक्ट करके ऐड में क्लिक कर देना है दोस्तों शेडो पेन को कुछ इस तरह से जूम कर देना है इस तरह से जूम करने के बाद नीचे एडजस्ट कर देना है और आपको इधर राइट वाला ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है तो और एक सेटिंग करना है सिंपल आ जाना है टूल्स में एडजस्ट में आ जाना है दोस्तों और इसकी जो ब्राइटनेस है इंक्रीज कर देना है कॉन्टेस्ट को आपको इंक्रीज कर देना है सैचुरेशन को भी आपको इंक्रीज कर देना है हाईलाइट जो है थोड़ा डिक्रीज कर देना है शेडो को भी इंक्रीज कर देना है ये जो है फोटो के हिसाब से एडजस्ट करना है सेटिंग राइट में क्लिक करना है इतने से सेटिंग से कंप्लीट करना है फोटो एकदम बंट की डि दोस्तों आप लोग देख ही सकते हो कितना असम लग रहा है अभी सिंपली सेव करना है तो डाउनलोड में करके सेव कर लेना अभी मैं दिखाऊंगा एक ही क्लिक में फोटो का जो बैकग्राउंड है कैसे रिमूव करोगे तो सिंपल आपको कहना है फोटो वाले ऐप को ओपन कर लेना है ये प्ले स्टोर में अवेलेबल है उधर से आपको डाउनलोड कर लेना दोस्तों अभी क्या स्टार्ट फॉर्म फोटो में क्लिक कर देना है अब जो फोटो का बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हो उस फोटो को आपको सिलेक्ट करना है सिलेक्ट करने के बाद आपको थोड़ा स्कैन होगा स्कैन होने के बाद आपको जो फोटो एकदम बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा दोस्ता अभी क्या करना है नीचे आपको ट्रांसफर्ट वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा इसमें आपको क्लिक कर देना है तो आप लोग देख ही सकते हो फुल एच में आपका जो बैकग्राउंड है रिमूव हो चुका है दोस्तों अभी इसे करना है गैलरी के अंदर सेव कर लेना है दोस्तों तो क्या से सेव करना है मैं आपको दिखा देता हूँ शेयर में क्लिक कर देना सेव टू तो गैलरी कर देना दोस्तों अभी डन में क्लिक कर देना तो ये था आज का अच्छा वीडियो वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी अपलोड करूँ सबसे पहले आपको देखने मिले तो ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में